तो हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CTET 2020 यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 में जो इन्फॉर्मेशन सभी शिक्षक या सभी फ्रेंड पूछ रहे थे कि CTET 2020 का परीक्षा कब होगा और CTET की ऑनलाइन कब से शुरू होगा या CTET में क्या कोई नेगेटिव मार्किंग रहेगा या एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इन्फॉर्मेशन CTET की सारी इन्फॉर्मेशन CTET की स्टडी मटेरियल को पाने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन रहेगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक बेल आइकन मिलेगा, उस पर ही भी क्लिक करने से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आसानी में मिल जाएगा। तो अगर आपके साथ यहाँ पे कुछ बात किया जाए CTET के ऑनलाइन के बारे में या CTET की परीक्षा के बारे में, तो साल 2019 में CTET का जो परीक्षा हुआ था, पहला परीक्षा जुलाई महीने में हुआ था, वो 7 जुलाई में हुआ था और दूसरा जब परीक्षा 8 दिसंबर यानी दिसंबर महीने की 8 तारीख को हुआ था। तो इस रिगार्डिंग अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि ऑनलाइन कब से शुरू होगा, तो हमारे पास CTET की तरफ से एक मैसेज आया था, जो मैसेज अगर आपके साथ शेयर किया जाए तो आपको समझने में भी कुछ आसानी होगा। तो हम आपको पहले ये जो SMS यहाँ पे CTET की तरफ से दिया गया है उसके आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उसके बाद तो हमने आपको पहले ही बताया था कि साल में 2 बार CTET का परीक्षा होता है, जिसमें जुलाई महीने में ही होता है और साथ में दिसंबर महीने में भी होता है। तो यहाँ पे अगर आपके साथ बात करें तो CTET की तरफ से जो प्रीवियस यानी 8 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ था उसके रिगार्डिंग जो मैसेज हमें भेजा गया था, तो यहाँ पे देख सकते DR कैंडिडेट CBSE इज कंडक्टिंग CTET एग्जामिनेशन ऑन 8/12/2019। द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड अप टू 18/9/2019। द इंटरेस्टेड पर्सन में अप्लाई एट www.ctet.nic.in। यानी यहाँ पे जो दिसंबर महीने की 8 तारीख को जो परीक्षा हुआ था इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सेप्टेम्बर महीने की 18 तारीख तक लिया जाएगा, वो डेट बाद में भी एक्सटेंड होता है, लेकिन यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन सितंबर महीने की पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 सितंबर को ही ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, यानी लगभग यहाँ पे 10 दिन दिया गया था, 10 दिन के अंदर अंदर ही आप चाहे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये डेट बाद में भी एक्सटेंड होता है। तो आप इसमें समझने की कोशिश करें, जो सितंबर महीने में ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी लगभग 3 महीना यहाँ पे दे दिया गया है परीक्षा के समय के लिए। तो आपका जो नेक्स्ट परीक्षा होगा वो तो जुलाई में ही होता है, तो जुलाई से पहले आपको शायद मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट में ही आपको ऑनलाइन की डेट दे दिया जाएगा और उसी से ही आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। लगभग 10-15 दिन दिया जाता है और कभी कभी समय एक्सटेंड किया जाता है। तो आपको मार्च के अंतिम में या अप्रैल के शुरू में ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट दे दिया जाएगा, आप उसी में जाकर ही अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो फीस तो लगभग 750 रुपये हर परीक्षा, पेपर वन हो या पेपर टू हो, सभी के लिए 750 रुपये आपको पे करना होता है। और हमें आपको बात करें तो जो नेगेटिव मार्किंग की जो बात बताई जा रही है, कोई नेगेटिव मार्किंग CTET में नहीं है। अगर आपके पास DLED है और आपके पास HS में 50% है तो आप CTET के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो और अगर आपको कुछ भी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।